हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपल चौधरी व्लॉग्स। और आज जो है बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं और बस ये सोच रही थी मैं आज सुबह सुबह कि आज पूरे काम कैसे ख़त्म करने हैं मुझे, क्योंकि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे में मैं ये सारे काम नहीं करना चाह रही और कल मेरा फास्ट भी है। तो बस इसीलिए मैं सोची थी कि आज ही अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो काम ये है कि अभी पार्लर का काम रह रहा है और 2-3 दिन ही बच रहे हैं अब एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि थर्सडे वाले दिन एंगेजमेंट है और आज मंडे हो चुका है। और बस ये लग रहा है कि सारे काम कैसे ख़त्म करूं, मतलब 2-3 दिन में। और वेडनेसडे में तो कहीं पे मैं बाहर जा ही नहीं पाऊंगी, उससे पहले मुझे ये काम ख़त्म करना है। मतलब मेरे पास जो है आज और कल का ही दिन है बस, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे में लगेगी मेहंदी और उस दिन वैसे ही टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि घर पे हलवा ही लग जाएंगे। और बस सारा काम फैला पड़ा है और अभी जल्दी जल्दी से सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि सारा सामान समेट लूँ, बाकी जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ है, क्योंकि ओजस जो है ना नीचे जितना भी सामान रखा हुआ है सारे पे हाथ मारता है और सारे सामान इधर उधर बिखेर देता है। तो सबसे पहले उसे समेटना है, फिर उसके बाद जाना है पार्लर, क्योंकि अभी जो है वर्षा दी की भी वैक्सिंग करानी है और मुझे अपनी भी करानी है, उनकी आईब्रो वगैरह रह रही है, और फेशियल भी उनका कराना है। फेशियल देखूंगी मैं, अगर आज नहीं हो पाया तो कल को करवा दूंगी उनका फेशियल, मैं फेशियल नहीं कराती। तो बस अभी पहले ये पार्लर के काम ख़त्म करने हैं, उससे पहले मैं ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो साफ़ सफाई करते करते मैंने एक चीज़ और निकाल ली है, ये है मेरी पूजा की थाली और ये वो वाली थाली है जो करवा चौथ में मैं यूज़ करती हूँ। और इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि रिंग सेरेमनी के लिए जो रिंग चाहिए उसे जिस थाली में रखना था तो वो हमने अलग से नहीं ली। और बस ये एक तो पहले से डेकोरेट है, इसको डेकोरेट करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऊपर से इस पर मैं फ्लावर से थोड़ी सी और डेकोरेशन कर दूँगी, वो उसी दिन दिखा दूँगी आप लोगों को जैसी लगेगी। तो बस इस पर थोड़ी सी फ्लावर डेकोरेशन होगी, इसके बाद मैं इस पर रख दूँगी रिंग। तो बस इसी में हम लोग काम चला लेंगे और बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि मैं एंगेजमेंट में भी ऐसे ही किया था, एक थाली लेके उसको डेकोरेट किया था, लेकिन ये तो पहले से ही अच्छे खासी डेकोरेट है, मेरी इतनी डेकोरेट नहीं थी और उसमें मैंने फ्लावर से डेकोरेशन कर दी थी, मतलब पूरा वो फ्लावर से भर गया था और काफ़ी अच्छा लगा था वो। तो बस अभी हम इसे ही यूज़ करेंगे, तो ये मैं बाहर ही निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी थी, बाकी अभी मैं यहाँ पे बेडशीट ठीक कर रही हूँ। तो बेडशीट मैंने आज चेंज नहीं की, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा बेड के ऊपर जो लेंटर है उसको थोड़ा सा साफ़ करना है, तो धूल मिट्टी उस पर बेडशीट पे गिरेगी फिर वो गंदी होगी, इसलिए मैं कल ही बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर वो जैसे खेल रहा था तो उसका एक बैग था, उसको हाथ पर लटका के घूम रहा है, उसको बैग टांगने का बहुत शौक है। और टीवी में मैंने भजन चलाए हुए हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और वैसे भी मैं सुबह के टाइम टीवी में भजन चला देती हूँ, और ओजस को गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है तो ये टीवी देखते रहता है, गाने पे डांस करता रहता है। और बाकी नीचे जो थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था इसको ये इधर उधर फैला रहा था, तो बस मैंने सोचा कि चलो इतने इधर उधर खेल रहा है तो मैं अपना थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ये पीछे पीछे घूम रहा था मेरे, तो मैंने जैसे डस्टिंग करनी शुरू करी तो इसके हाथ वो कपड़ा लग गया, तो ये कपड़ा लेके मुझे हटा रहा था और ख़ुद करना शुरू कर दिया, तो मैंने भी इसको थोड़ा सा करा दिया कि ये भी थोड़ा सा खुश हो जाएगा। तो काम तो ये बहुत अच्छे से करा देता है, इसको बहुत शौक है डस्टिंग करने का। तो नीचे भी जब ये शाम के टाइम जाता है तो इसको मतलब कपड़ा हाथ लग जाए तो ये गेट वगैरह सब साफ़ करने लग जाता है। तो पता नहीं ये अपने आप ही से ही इसने ये चीज़ सीख लिया, या तो ये मुझे करते हुए देखता है तो ये बस उस चीज़ को कॉपी करता है, और बहुत जल्दी कॉपी करता है ये चीज़ों को, कि जैसे भी मैं कोई चीज़ करती हूँ तो बहुत जल्दी कॉपी करता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने इसके हाथ से कपड़ा ले लिया था और फिर बस थोड़े बहुत डस्टिंग मैंने की और अपना वो जस जो था थोड़ा बहुत खेल में लग गया था, इसको टैडी मिल गया था तो अपना टैडी लेके आगे की तरफ चला गया। ये मैंने जो अपनी ये रजाई और ये ब्लैंकेट जो था ये रूम में से निकाल के अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, रूम में थोड़ी जगह करूँगी, उसके बाद वहाँ पे कल लगा दूँगी इनको। और इसको देखो बेटा, चलो नहीं नहीं करेंगे, चलो आओ जल्दी आओ, नहीं नहीं करेंगे, मम्मा जा रही है, मम्मा जा रही है, आओ जल्दी, इसका निकलना देखो, ए मेरा खड़े हो जाओ, जस मैं जा रही हूँ, तो खेलो,
खेलते रहो आप यहीं पर। रात के 8 बज चुके हैं और पार्लर से आने के बाद मतलब पार्लर का मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं कल फिर जाऊंगी पार्लर में क्योंकि अभी वर्षादी का काम रह रहा है। मैंने अपनी वैक्सिंग वगैरह करा ली है तो मैं कल कोशिश करूंगी दिखाने की। तो मेरा तो काम हो चुका है, बस एक चीज रह रही है, नेल एक्सटेंशन कराने की सोच रही हूँ मैं। अगर वो हो जाए तो वो मैं कल करा लूंगी। बाकी पार्लर से आने के बाद सारा चिपचिप हो रहा था क्योंकि वैक्सीन के बाद सारी चिपचिप से हो जाती है स्किन। तो बस मैं आके नहाई, मैंने हेड वॉश भी कर लिया है। मैं अभी जा रही हूँ नीचे और जिसको ऊपर लेके आ गई थी क्योंकि जब हम लोग पार्लर चले गए थे तो इसने पीछे से मम्मी की रील बना दी और ये बार बार नीचे जो है पानी की टंकी खोल रहा था और वो सारा भीग गया था, तो इसलिए इसके ऊपर आके कपड़े चेंज करे, इसको दूध पिलाया। और अभी ये जो मेरी पायल है जो मैंने उस टाइम पे निकाल दी थी, अभी ये वर्षदी को दी थी तो ये भी इन्होंने यहाँ पे रख दी थी, तो ये लेके गले में पहन के देख रहा है इसको। तो दी आपका भी काम रह गया ना पार्लर का? मम्मी का भी हो चुका सो। हाँ मम्मी ने भी अपना करा लिया, बस इनका रह रहा है तो इनका कल कराते हैं क्योंकि उन्होंने वैसे तो हमें आज ही कराना था लेकिन वहाँ पे ज़्यादा नहीं थे मतलब करने वाले, सिर्फ एक ही लड़की थी वहाँ पे करने वाली, तो वो बोल रही थी कि आप कल ही आ जाना, लेकिन मुझे इसलिए कराना था आज क्योंकि वो मुझे भी कल का ही टाइम दे रही थी, कह रही थी कि कल ही आ जाना आप दोनों कल ही कर देंगे। लेकिन यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ओजस को छोड़ के इतने देर तक मैं वहाँ पे रुकती। 15 मिनट की बोला था उन्होंने वैक्सिंग में, हाँ फिर भी 1 घंटा लग गया उनको वैक्स में क्योंकि इतना तो लग ही जाता है। तो बस वही है कि मुझे मेरा जितना काम आज खत्म हो जाए उतना सही है क्योंकि अब एक एक दिन बहुत कीमती है हमारे लिए। तो गाइस खाना खा लिया मैंने और बाहर एडजस्टमेंट चल रहा है तो उसके बाद जा रही होगी आप लोगों को। यहाँ पे वर्षाती खाना खा रही है। तो दी क्या खा रहे हो आज खाने में? ये है आलू की सब्जी और सिंघाड़े के आटे की कचौरी और मट्ठा साथ में है न। तो पेट पूजा करके कैसा फील हो रहा है अब? नींद नहीं आई थी भूख की वजह से। अच्छा, और यहाँ पे हमारा शैतान जो है इसने खाना खा लिया है, इसने मेरे साथ ही खाना खाया है आज। तो अभी इसकी पेट पूजा हो गई है और ये अपना खाना हजम कर रहा है खेल के और घूम घूम के। बाय टाटा। जो बाबा बुला रहे जल्दी जा। जाओ जल्दी जाओ। मम्मा बाबा गए। मम्मा नहीं बुला रही आपको, क्या करूं क्या करूं। तो यहाँ पे हम लोग सामान चेक कर रहे हैं क्योंकि जो हलवाई ने सामान मंगाया था तो वो ही खोल खोल के देख रहे हैं कि वो सामान पूरा आया है या नहीं आया। और बाकी उसमें कुछ ये हो जाता है कि जो दुकानदार होता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी में सामान नहीं देते, तो वही चीज़ होती है खाने में उतना टेस्ट नहीं आता, इसलिए बस यही चीज़ देख रहे हैं कि सामान अच्छा होना चाहिए और जितना अच्छा होगा उतना ही खाने में टेस्ट अच्छा आता है। तो बाकी जो सामान ऐसा था कि जैसे कुछ मसाले वगैरह थे तो वो खुले दिए थे उसने, तो बस उसको चेंज कराने के लिए वो अलग रख दिए थे क्योंकि फिर हमने बोल दिया कि साबुत मसाले ले आएंगे, उसको घर पर ही धूप लगा के हम घर पर ही पीस लेंगे। तो बस उसको वापस कराने के लिए हमने वो कुछ सामान इसमें से अलग कर दिया है। कुछ तेल वगैरह है जो उन्होंने पता नहीं कौन सी कंपनी का दे दिया है तो बस उसको चेंज कराने के लिए अलग रख दिया है। कुछ सामान अभी रह गया है, चीनी वगैरह रह गई है और कुछ एक आध चीज़ें और है जो रह गई है, तो वो सामान अभी आया नहीं था उनके पास, वो बोल रहे थे कि कल को दे दूँगा मैं। तो बस उसी चीज़ की लिस्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पे कि जो जो सामान छूट गया है वो सामान मैं लिख रही थी इसमें डायरी में कि उससे आसानी हो जाएगी मम्मी या पापा जो भी जाएंगे सामान लेने के लिए। तो बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। वर्षदी मुझे बता रही है कि कौन कौन सी चीज़ है और मैं उनको क्योंकि फ़ोन में पर्चा था जो हलवाई ने भेजा हुआ था, तो जो फ़ोन में लिस्ट थी सामान की वो मैं पढ़ पढ़ के उनसे पूछ रही हूँ और वे बताती जा रही है कि कौन कौन सा सामान आ चुका है। तो बस यहाँ पे हम दोनों वही चेक कर रहे थे सामान। तो अभी जो है सारा सामान देख लिया है और उसमें से कुछ सामान जो है वो वापस कराना है क्योंकि उसने लोकल सामान दे दिया है और कुछ सामान अभी मिसिंग में है, कुछ चीज़ें रह गई जैसे चीनी वगैरह और एक आध चीज़ हो रहा है जो रह गई है, तो अभी मैं दिखा देती हूँ। इसमें से ये जो सारा सामान जो है वो छाट के हमने रख लिया है, जो जो सामान बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, बाकी उधर जो सामान रखा हुआ है वो तेल वगैरह जो है वो वापस कराने हैं, उसके जगह थोड़ा अच्छी क्वालिटी में तेल मंगाना है। ये वो जिसकी नानी ने ये इसके लिए स्लेट और पैन भेजा है, इसका ये ऑटोमेटिक वाली है जो कि आजकल चली रही है बहुत, तो
अपना लग गया है खेल में, क्योंकि जिस टाइम पे इसकी नानी लेके आई थी ये बहुत छोटा था, पेन भी नहीं पकड़ना जानता था, अभी ये करने लगा है ये ऐसी ऐसी हरकतें कि खुद पेंसिल या पेन पकड़ लेता है। तो इसके लिए ये अभी वहीं पर रखे हुए थे घर पर, तो मैंने आज मंगा लिया मम्मी से बोल के, तो गौरव लेके आया अभी, तो जैसे अपने खेल में लग गया है, तो गौरव आ गए हैं अभी खाना खा रहे हैं। ये यहाँ पे है जो दोने वगैरह हैं, ये इसमें वो है खाने के ग्लासेस वगैरह, दोने हो गए, प्लेट वगैरह होगी, प्लेट तो नहीं होगी इसमें, प्लेट तो है टेंट वाली ही लेके आएंगे। बाकी अभी फ़िलहाल जो जो मैंने आप लोगों से पहले इससे पहले वाले ब्लॉग में बता ही दिया था कि जो जो तैयारी अब हम लोग करेंगे वो आप लोगों को मैं सारी दिखाती रहूँगी, तो अभी जितना हुआ है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो आप लोगों को ना पता हो अभी तक। तो कोशिश तो यही कर रही हूँ कि सब कुछ दिखा के चलूँ, अगर कुछ मिस हो जाए कुछ छूट जाए तो उसको उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि सारा कुछ दिखा के चलूँ आप लोगों को। तो बस अभी फ़िलहाल यही तैयारी हुई है, और बाकी कल और परसों का भी दिन बचा हुआ है, तो दो दिन के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, तो ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसको बस यहीं पे एंड कर देती हूँ, नहीं तो फिर एडिट करते करते मैं पागल हो जाऊँगी। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलूँगी आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इनकी एंगेजमेंट क्या ब्लॉग देखने के लिए, और फंक्शन का सारी सारी तैयारियां और सब कुछ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी वो टाइम आने वाला है जिसकी तैयारी और जिसका सपना इतने दिनों से देख रहे थे, खास करके ये, तो वो दिन आने वाले हैं, मतलब आ गया है वो दिन, तो बस सारी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कुछ ना छूटे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन आप लोगों को आएगी और सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।